रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस लगातार यूक्रेन के अड्डों पर हवाई हमले कर रहा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण में मौजूदा यूक्रेनी कमांड पोस्ट और यूक्रेनी सैनिकों पर जबरदस्त हवाई हमला किया है। बताया जाता है कि यूक्रेन को बैकफुट पर धकेलने के लिए रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद सुखोई SU-34 फाइटर जेट से यूक्रेनी खेमे में तबाही मचाई है। रूस ने SU-34 फाइटर जेट और FAB-500 के जरिए यूक्रेनी सेना को एक बार फिर डोनेट्स्क में हार का स्वाद चखाया है। रूस के इस बड़े हमले से यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की माने तो एक रूसी SU-34 लड़ाकू बम वर्षक दल ने एक यूक्रेनी पोस्ट पर FAB-500 ग्लाइडेड बम बरसाकर दहशत मचाई है। इस हमले में दक्षिणी डोनेट्स्क में यूक्रेन का कमांड पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। इस बीच रूस ने डोनेट्स्क में चासोव यार के पास भी आक्रामकता बढ़ा दी है। रूस के हालिया हमलों की खास बात यह है कि रूसी वायुसेना सोवियत काल के हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रही है। दावा किया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल 21वीं सदी के युद्ध के लिए फिर से किया जा रहा है। अहम बात यह भी है कि रूसी सेना यूक्रेन पर इन्हीं हथियारों से हमले कर रही है, साथ ही यूक्रेनी बस्तियों को नष्ट किया जा रहा है। यही वजह है कि रूस फ्रंट फुट पर लड़कर यूक्रेन को चुनौती पेश कर रहा है। ऐसा दावा किया जाता है कि रूस के FAB-500 ग्लाइडेड बम दुश्मन की एयर डिफेंस को चकमा देने की कुव्वत रखता है। ग्लाइडेड बम 60 किलोमीटर से ज्यादा तक 500 किलोग्राम से 1.5 टन तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम होता है, जिससे 20 मीटर चौड़े और 6 मीटर गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिससे इसके चारों ओर की हर चीज प्रभावी रूप से धूल में बदल जाती है। हाल में यूक्रेनी कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की ने भी रूसी हमलों को लेकर कहा था कि पिछले महीनों और हफ्तों के अनुभव से पता चलता है कि रूस ने ग्लाइडेड एयर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर विमान गतिविधि में काफी इजाफा किया है, जो यूक्रेन की पोजीशंस को नष्ट करने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी बताया था कि रूसी ड्रोन, मिसाइलों और तोपखानों के साथ साथ ग्लाइडेड बमों ने रूस के यूक्रेन के खिलाफ जारी अभियान में नई मारक क्षमता जोड़ दी है। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि रूसी सेना यूक्रेनी ठिकानों पर रोजाना 100 से ज्यादा ग्लाइडेड बम गिराकर यूक्रेन को तबाह करने में जुटी है। ऐसे में रूस की मंशा साफ जाहिर होती हुई नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के लिए दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं।